पूर्णिया डीएम सोहर्ष भगत ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अधिकारियों के एक काफिले के साथ पूर्णिया समरणालय परिसर एवं कचहरी परिसर का पैदल मुआयना किया और अवैध दुकानदारों एवं अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए जगह खाली करने का निर्देश भी दिया। साथ ही पूर्णिया डीएम ने विभागीय अधिकारियों को ऑन द स्पॉट निर्देश दिया कि यत्र तत्र सर्वत्र जैसे तैसे गाड़ियों को लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। पूर्णिया डीएम सोहर्ष भगत ने निर्देश दिया कि बड़ी गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था होगी और कचहरी आने वाली बड़ी गाड़ियां उसी पार्किंग में लगा करेंगी। साथ ही छोटी गाड़ियों के लिए दूसरी तरफ पार्किंग स्पॉट की व्यवस्था की जाएगी और छोटी गाड़ियां उसी पार्किंग में लगेंगी और बाहर लगाने वालों पर फाइन लगाया जाएगा। साथ ही बड़ी गाड़ियां किस गेट से कचहरी प्रवेश करेगी उसको भी चिन्हित कर पैदल और बाइक जाने वालों के लिए अलग रूट की व्यवस्था की जाएगी। पूर्णिया डीएम ने निर्देश दिया कि बड़ी गाड़ियों के लिए अलग एक और कचहरी परिसर में ही जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सभी को खाली कराकर पार्किंग स्पॉट को बनाया जाएगा। पूर्णिया डीएम ने इस दरमियान खुद से घूमकर निबंधन कार्यालय परिसर, निबंधन लेखागार परिसर, डीआरडीए परिसर के साथ साथ उन तमाम जगहों को खुद से जाकर देखा जहां कचरे और गंदगी का अंबार भी लगा हुआ था। उसके बाद पूर्णिया डीएम ने तत्काल उसे साफ सफाई करने का निर्देश भी दिया। इस दरमियान कचहरी परिसर का माहौल पूरी तरह से गहमा गहमी से भरा रहा और कार्यालय परिसर में घूमने वाले सभी दलाल तत्काल लापता हो गए। पूर्णिया डीएम के मुआयना के दरमियान अवैध दुकानदारों एवं अतिक्रमणकारियों में हड़कंप देखा गया। है तो यहीं अभी डीएम ऑफिस के पीछे है। किधर कितना दिन से रहते हैं आप? साल भर से रह रहे हैं। कौन बनवाया था आपका घर? कोई नहीं बनवाया सर, अपना यहाँ जंगल झाट बहुत जंगल था, गंदगी था, साफ सुथरा कर करके हम रह रहे हैं और एक हमारा बीवी है और हम हैं, हमारा बाल बच्चा कोई है नहीं, निपुत्र आदमी हैं, दो आदमी से कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, एक चाय दुकान कर रहे हैं, दिन भर में 2 किलो 3 किलो दूध बेचते हैं, वही दो एक 100-200 रुपया निकलता है, वही खा करके दिन काट रहे हैं। ये सरकारी जमीन में यहाँ जो कचहरी का जमीन है इसमें हाँ। आपका घर कौन बनवा दिया? कोई नहीं बनवाया सर, अपना मर्जी से बने, खाली सा जंगल था, वो सब साफ सुथरा करके, गंदगी बहुत था, साफ सुथरा करके तो गंदगी बहुत था। तो आपकी जमीन तो नहीं ना थी? नहीं नहीं सर, मेरा आपको तो कोई नहीं कहा था साफ करने के लिए या घर बनाने के लिए? कोई नहीं बोला था, कहा हम किसी को बदनाम करेंगे। तो अपने मन से बनाए थे? अपने मन से बनाए सर। तभी डीएम साहब आए थे तो क्या निर्देश हुआ उनका? उनका हुआ था मेरे सब हटा लीजिए, हटा लेने के लिए। हाँ तो आपको तो पुलिस पकड़ लिया था? नहीं, हमको बोला था ये सब हटा लो, बस तोड़ताड़ करके, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। हाँ तो हटाएंगे ना? हाँ हटा लेंगे सर। कब हटाइएगा आप? कल परसों तक हटा लेंगे। तभी डीएम साहब पूरा घूमे हैं ना कचहरी? हाँ उधर घूम करके किया। अच्छा, जो सब अतिक्रमण किया है सबको बताया है? सब चीज नहीं, सबको नहीं बताया, हमको खाली आकर के बोला, पूरा इधर घूमा, किसी को कुछ नहीं बोला, खाली हम ही को बोला। आप ही का ना घर है खाली यहाँ? हाँ, हाँ, और किसी का घर है? नहीं घर तो नहीं, ये सब मुंशी लोग उधर रह रहा है। घर तो आप ही ने बनाया है खाली? हाँ। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधारकर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला कशाबे बेगूसराय बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला मधेपुरा बिहार। कांटेक्ट नंबर 8400080353553। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंट एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी IT की क्रांति है, सो मुझे यही करना था।
तो यहाँ आर भट्ट में मौलाना मंजूर हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।